चास के भगवती कॉलोनी निवासी डॉक्टर राहुल झा को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस एवं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यूथ आइकॉन ऑफ झारखंड अवार्ड से सम्मानित किया है। इस मौके पर चास भगवती कॉलोनी अपने आवास में आवाज डेली HETV चैनल के बोकारो के पत्रकार विजय आनंद से बातचीत करते हुए डॉक्टर राहुल झा ने कहा कि यह अवार्ड लेकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ तथा मेरा लक्ष्य है कि इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जाऊँ। डॉक्टर राहुल झा ने कहा कि मेरे माता पिता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है तथा मेरे नाना जी का भी शिक्षा के लिए काफ़ी सहयोग मिला है। डॉक्टर राहुल झा ने युवाओं एवं लोगों को संदेश दिया है कि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है, इसलिए आप मेहनत करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। आज मैं भगवती कॉलोनी में हूँ, मेरे साथ हैं राहुल झा, जिनको आज कुछ दिन पहले झारखंड के राज्यपाल एवं शिक्षा मंत्री ने अवार्ड देकर नवाजा है। आज मैं इनके आवास में हूँ भगवती कॉलोनी में। मैं जानता हूँ क्या कैसे मिला अवार्ड, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। ठीक, बताइए राहुल जी, आवाज मेरे चैनल के आपको स्वागत है। थैंक यू सर। जैसा कि कल प्रोग्राम हुआ था यूथ हाईकोर्ट का, जो झारखंड के सबसे कम एज के जो डॉक्टर हैं चाहे जो भी अपने क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे एक प्रोग्राम हुआ था, जागरण मंच से एक प्रोग्राम हुआ था, उससे हमको बुलाया गया। और बुलाने के बाद झारखंड के गवर्नर महामहिम हमें यूथ हाईकोर्ट पर अवार्ड देकर सम्मानित किए और इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों मिला सम्मान, क्या देख के सम्मान दिया गया? इससे पहले हम इंटरनेशनल अवार्ड भी ले चुके हैं दिल्ली में हैबिटेट होटल में, आपको पता ही होगा आपके चैनल के माध्यम MTS। और दिल्ली में जो अवार्ड मिला था तो गोल्ड मेडल डॉक्टर बने थे सबसे कम एज के, पूरे झारखंड में भी सबसे कम एज के हम डॉक्टर हैं तो आयुर्वेद के, तो उसको देखते हुए यूथ हाईकॉन का अवार्ड हम ही को मिलना था और किसी और को कैसे मिल सकता था। आगे जाके आप क्या करना चाहते हैं, यूथ आइकन पे जो अवार्ड मिला आपको? देखिए आगे जाके सर हम एक इंटरनेशनल अवार्ड लेना चाहते हैं। कुछ हम दवा पे रिसर्च कर रहे हैं जो हम दुबई में भेजेंगे और वो दवा दुबई जाएगा और दुबई में टेस्ट लैब में टेस्ट होगा चाहे जो भी होगा, वो टेस्ट होने के बाद अगर हमको वहाँ से लेटर आता है कि आपको यहाँ नवाजा जाएगा, तो हम उसके चक्कर में कि हमें दुबई में इंटरनेशनल अवार्ड मिले और हम अपना राज्य देश झारखंड का नाम रोशन करें। और आगे क्या करने का विचार है? आप युवा डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडल लिए हुए हैं, झारखंड के राज्यपाल से आपने अवार्ड लिया, और क्या मैंने यहाँ के युवाओं को क्या करेंगे, झारखंड के युवाओं को क्या करेंगे, देश के युवाओं को क्या? देखिए सर फिलहाल तो अभी मैं उस जो मैंने क्या संदेश देना, हाँ संदेश ये चीज़ है, संदेश यही है कि जो भी जिस लाइन में हम बार बार बोल रहे हैं, जो भी जिस लाइन में, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेटर बने, जो जिस काम में मेहनत है वो अपना काम करे, मेहनत करे, अपना लगन से करे, वो उस क्षेत्र में जरूर आगे बढ़े। अगर मेरे को डॉक्टर बनना था तो मैं अपना क्षेत्र में मेहनत किया और मैं वहाँ तक पहुँचा। आप जो इतना मुकाम हासिल कर रहे हैं आगे बढ़, इसमें किनका हाथ है आपसे? देखिए सर इसमें सबसे पहले तो अपने माता पिता का भी सहयोग चाहते हैं, किसी लड़का का अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो माता पिता का नाम होता है, अगर खराब कर्म करते हैं तो भी माता पिता का नाम होता है। और अच्छे कर्म करने वाले को माता पिता को नहीं बुलाया जाता कि उनका बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, पर खराब कर दिया तो 10 जगह होता है, तो माता पिता को ही दिया जाता है। और हम जो शिक्षा ग्रहण किए हैं हमारे नाना से किए हैं, 80 साल से इस लाइन में आयुर्वेद से है, अभी भी उसी का नस देख के बता सकते हैं, तो उनसे ये शिक्षा हमको मिला अपने नाना से। चलिए राहुल जी, आपने चास सहित पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है अवार्ड लेकर, हम आवाज डेली जो HETV में रहा है आपको शुभकामना देते हैं कि और आगे बढ़े और आप अच्छे काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।